ऐसा है कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह केस के बारे में कल राहुल शेवाले जी ने जो खासदार है उन्होंने सांसद है उन्होंने लोकसभा में मांग की कि जो एयू नाम का जो व्यक्ति है वो आदित्य उद्धव ठाकरे है जिसको जिसने रिया चतुर्वेदी को 44 कॉल किए। हम लोग पहले दिन से बोल रहे हैं कि ये सुशांत सिंह और दिशा सालियान के केस में जिस मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है जिस बारे में बिहार पुलिस ने भी रिपोर्ट तैयार की है उनका नाम आदित्य ठाकरे का नाम बिहार पुलिस ने भी लिया था सुप्रीम कोर्ट में भी इस बारे में मेंशन हुआ था कि तभी के चीफ मिनिस्टर का बेटा उस केस में इन्वॉल्व है ये सुप्रीम कोर्ट का डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंटेड है ये। तो इतना सब होने के बाद अगर सच्ची में सच बाहर आना होगा तो जैसे श्रद्धा वालकर के मर्डर के बाद आफ्ताब का नार्को टेस्ट करने के बाद सच्चाई बाहर आई वैसे ही दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में आदित्य ठाकरे की नार्को टेस्ट होनी चाहिए जिससे सच बाहर आएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। नहीं सच्ची में क्योंकि जिस तरीके से ये दोनों केस अगर आप देखेंगे ए फॉर आफ्ताब उसकी सच्चाई बाहर आ गई वैसे ए फॉर आदित्य अभी सच्चाई बाहर आनी चाहिए। नहीं इसमें नितेश राणे पेटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं राणे साहब पेटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं अमित साटम कर रहे हैं लाखों सुशांत सिंह के फैन कर रहे हैं अभी राहुल शेवाले सारे पेटी पॉलिटिक्स कर रहे और सच्चाई की पॉलिटिक्स क्या सच्चाई की मूर्ति सिर्फ आदित्य ठाकरे बाकी हम सब झूठ बोल रहे एक आदमी बोलता तो मान जाते इधर सारी की सारी दुनिया बोल रहे कि आदित्य ठाकरे का उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है तो उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ना। दिशा सालियान की केस आज भी मुंबई पुलिस के पास है मैं मुख्यमंत्री जी को उप मुख्यमंत्री जी को मांग करूंगा कि दिशा सालियान की केस वापस रीओपन करे उसका आयो दो बार बदला गया उसका सीसीटीवी फुटेज आज भी गायब है उसका विजिटर बुक का 8 और 9 तारीख का उसके पेजेस आज भी फटे हुए उसका जो टावर लोकेशन है उस रात का वो मैच होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ जब तक बाहर आती नहीं है मैंने रिया चतुर्वेदी का देखा कि उसका बोलना है कि एयू कुछ और है जब भी एयू वो नंबर पे किसी ने फ़ोन किया तो वो बोलता नहीं मैं एयू नहीं हूँ एसयू हूँ तो असली एयू कौन है किसका ट्विटर हैंडल पे AUT ठाकरे लिखा है वो दुनिया को मालूम है। तो इसलिए एक ही बार नार्को टेस्ट करो और सच्चाई बाहर निकालो सर।